नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुंजाल पांडे है। आज आपको मैं कैंसर के रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। जो मरीज डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और कैंसर का नाम सुन के उनको काफी सारा डिस्कम्फर्ट होता है, फिजिकल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है, तो उनको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो कैंसर का मरीज है या जिसको रिसेंटली कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी काफी सारे अच्छे एडवांस आए हैं ट्रीटमेंट में और उसकी वजह से कैंसर को काबू में भी रखा जा सकता है और उसको हमेशा के लिए मिटाया भी जा सकता है। ये जो कैंसर है उसमें आपको अर्ली डायग्नोसिस करना होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अर्ली डायग्नोसिस के बाद में आपको उसका स्टेज करना होता है, यानी कैंसर स्टेज की कैंसर है उसको पता लगाना पड़ता है, जो आप सीटी स्कैन या पैट स्कैन माध्यम से लगा सकते हैं। और उसके बाद में जो प्रमुख उसकी सारवार है, ये सारवार के अंदर तीन प्रमुख डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर होते हैं जिसको हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो मैं हूँ, जो कैंसर की दवाई के माध्यम से सारवार करते हैं, जिसमें कीमोथेरापी है, फिर टारगेटेड थेरापी है, उसमें इम्यूनोथेरापी है और हार्मोनल थेरापी है। और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रोसीजर करते हैं, जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आमतौर पे ब्लड और ब्लड के कैंसर या बोन मैरो के कैंसर के लिए आमतौर पे किया जाता है। तो ये एक स्पेशलिटी है जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो दवाई के माध्यम से कैंसर को काबू में रखता है एज वेल एज उसको मिटाता भी है। दूसरा है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी ऐसे डॉक्टर जो ऑपरेशन के माध्यम से कैंसर को ठीक करते हैं, उसका सारवार करते हैं, उसका इलाज करते हैं। और तीसरा है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी ऐसे डॉक्टर जो सेक के माध्यम से उसकी सारवार करते हैं और उसको मिटाते हैं। तो ये प्रमुख तीन डॉक्टर है। आप जब भी आपको आपके फैमिली मेंबर को, नियर एंड डियर को कभी भी कैंसर है, तो आपको सर्जिकल, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। उनकी राय के हिसाब से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करना चाहिए कि कौन सी ट्रीटमेंट देने से मरीज को जल्दी, कम टाइम में, कम खर्च में अच्छा होगा। तो आप तीनों का ओपिनियन लेंगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी कि भाई ये कौन सी ट्रीटमेंट या सारवार करने से मरीज को जल्दी अच्छा होगा। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि आपको अवेयरनेस हो, कैंसर की अवेयरनेस होगी तो हम ज्यादा लाइफ को बचा पाएंगे, अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे। और काफी सारे कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि कैंसर के कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कराने से हम कैंसर को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और उसको मिटा सकते हैं। तो आप बने रहिए। मेरा नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो के नीचे दिया है, तो आप कॉन्टेक्ट में रहिए। यदि आपको सेकंड ओपिनियन की जरूरत है तो आप बेझिझक हमारा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।